गुड मॉर्निंग गाइज। तो आ गई हूँ मैं एक और न्यू व्लॉग लेके। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और साथ ही आरजी व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी नहा धो के आई हूँ और टाइम हो गया जी 11 बज गए हैं। इन्नू को नला दिया, इन्नू स्कूल में नहीं गई क्योंकि इन्नू की है आज छुट्टी, जो कि मैं बताया था आज इनके स्कूल में बच्चे पिकनिक पे गए हैं। तो मैंने इन्नू को नहीं भेजा क्योंकि इन्नू अभी छोटी है तो थोड़ा सा परेशान होगी बिना मम्मी। तो अभी मैं बना रही हूँ, ना के आई हूँ तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। और चाय पीकर मैं मेरा थोड़ा सा वीडियो का काम करूँगी। सुबह मैंने 2 घंटे काम किया था ऑनलाइन का, तो अभी मैं काम कर रहा है बीच में और 12 बजे मैं एक वीडियो और का काम करूंगी, मतलब वीडियो का काम करूंगी। उसके बाद 12 से 12:30 मैं फिर थोड़ा सा घर का काम करूंगी और फिर मैं साची को लेने जाऊंगी। आज साची के जैसे एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो साची की 1 बजे छुट्टी होएगी, मतलब 12:45 होएगी, तो मेरे को 12:30 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो मैं साची को लेने जाऊंगी और इसके पापा हैं जो कि ड्यूटी चले गए थे सुबह ही, और इन्हों को दोनों को छोड़ के और आके घर का काम किया। और 8 से 10 बजे तक मैं कुछ काम करती हूँ वो किया, 10 से अभी 11 झाड़ू डस्टिंग वगैरह और नहाना और लैट्रिन बाथरूम साफ करना। इन्हों को 1 घंटा में ये काम किया। अभी चाय पी के फिर एक वीडियो अपलोड करके बर्तन साफ करूंगी और पोछा लगाऊंगी, ये 2 काम बज रहे, फिर सासी को लेने जाऊंगी। तो देखो सारा दिन ऐसी रूटीन रहे मेरी, तो कभी कुछ कभी कुछ। और लेकर 1 बजे और खाना पीना खा के 2 बजे फिर मैं मशीन का काम करूंगी। तो आज थोड़ा सा मशीन का काम आ रहा है ज्यादा, तो मशीन का काम के लग जाऊंगी। और साची है जो कि अपने आप पढ़ लेगी, इन्हों को पढ़ाना पड़ेगा। अभी ये है नहीं साची का कि कुछ करवाना है वो करवाना है, अभी एग्जाम की तैयारी कर रही है तो खाली उसको लर्निंग का काम करना पड़ता है, तो वो कर लेती है बैठ के। इन्हों को शाम की चाय पीऊंगी तब 1 घंटा लेके बैठूंगी, इन्हों को पढ़ाना है। दिन रात काम रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो यही जिंदगी है जी, क्या करें। अभी वो मशीन कपड़े लत्ते मैं मतलब हफ्ते में 5 दिन में 7 दिन में लगाती हूँ, और आज 5 दिन हो गए कपड़े बेड पे पड़े, प्रेस करने का टाइम नहीं रहता है। और ये साचे पापा बोले थे बाहर से करवा ले प्रेस, बराबर पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बिजली का बिल आता है तो फिर बाहर से करवाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर से है ना, एक ड्रेस का एक पीस का 5 रुपया लेते हैं, तो एक ड्रेस का 10 रुपया हो गया और 10 रुपये यूनिट लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक यूनिट में मैं 5 जोड़ी कर दूंगी, तो वो ही है ना लेडीज के लोग हो जाए, तो प्रेस के बिना सबके प्रेस करना पड़ता है, ड्यूटी वालों के भी ये भी। ओ तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम लग ही जाए कि, और वो कपड़े ना एक दिन अगर आप धो के कपड़े डाल दो वह ऐसे घुस जाए और फिर करने का मन नहीं करे, तो इसीलिए मेरे दिन निकलते जा रहे हैं। प्रेस के कपड़े बहुत सारे रखे हैं और वो सिर पर चढ़ गए अभी, तो शादी वाले जो शादी के थे ना वो सारे मैंने कर करके रख दिए थे, जो साची पापा के ऑफिस के और बच्चों के वर्क है ना वो रखे हैं, ड्रेस व्रेस जैसे सफेद वाले ड्रेस लगती है ये रखे हैं, तो खूब सारे 1-2 मेरे सूट रखे हैं, तो वो बुझ के मतलब ऐसे हो गए, तो अभी उनको प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहे हैं। तो पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, वीडियो डाल देती हूँ, तो बाद में करती हूँ कुछ काम। और अभी है ना इसी महीने ये देखो ये वाले सूट पहने जाएंगे, फिर इनको भी रखना पड़ेगा 2 धा के, और मोटी वाली रिजाई है वो 2 दिन पहले धूप में रखूंगी, उनके कवर और धो के वो रखूंगी। तो अभी तो ये देखो ये काम चलेगा, और पर मेरे को बीच बीच में ना बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, जैसे वीडियो में भी आपको पता है 2-2.5 घंटे लगते हैं, और जो मैं कॉपी पेस्ट वगैरह होता है उनमें भी मैं 2 घंटे देती हूँ, और बच्चों को भी लाना ले जाना। अभी थोड़ा सा मेरा लाने ले जाना का काम हो गया, साची को छोड़ के आज अभी 2 दिन की छुट्टी है, तो 2 दिन में मैं लगभग काम ये सलटा दूंगी। तो साची की और इनू की दोनों, साची की तो शनिवार इतवार हर बार ही होती है, पर ये साची का भी अभी 2 बीच में आज एग्जाम है फिर मंडे को एग्जाम है, तो 2 छुट्टी है बीच में। तो जी सबसे पहले पी लेते हैं चाय, नाश्ता कर लिया था मैंने, और नाश्ते में मैंने बनाई आज आलू और शिमला मिर्च,
और रोटी और यही हो जाए बस, और चाहे नाश्ता वगैरह वो सलाद वगैरह हो जाएगा, दही दही हो जाएगा, ऐसे खिला दूंगी बच्चों को। तो देखो थोड़ी चाय बना के लाई हूँ, और दूध वाला है ना जो कि मैंने चेंज कर लिया, अभी दूध मेरा 9:30 बजे आ जाता है, लेकिन चाय मैं वही 11 बजे ही पीती हूँ क्योंकि वही आदत है। तो अभी मैं चाय भी पीऊँगी, चाय के साथ में हमेशा मैं चाय लेके बैठती हूँ, तो कुछ ना कुछ काम करती हूँ, या तो शाम की चाय में तो मैं इनू का होमवर्क वगैरह करवाती हूँ, और वैसे इनू का होमवर्क दिन में जब साची के पास बैठते हैं तो मैं वहाँ करवा देती हूँ, लेकिन जब अभी और अभी मैं वीडियो डालूँगी, चाय पीऊँगी साथ में वीडियो डालूँगी, ऐसे ही काम करती रहूँ। और सुबह मैं चाय पीती हूँ बैठ के, तब मैं वो वीडियो एडिटिंग वगैरह करती हूँ या कॉपी पेस्ट, मेरा मतलब 3 बार चाय पीती हूँ ना, तो 3 बार मैं बैठ नहीं पाती हूँ, काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ और नहा धो ली हूँ, देखो सारा लगभग काम हो गया है, पोछा और बर्तन रह रहे हैं मेरे, किचन विचन सारा साफ सुफ कर रखे हैं, तो ये मैं 2 काम बाद में करूँगी, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मैं देख ली इतनी चीज में भी खुश हो जाऊँ, आज मेरे को बैग नहीं ले जाना, आज मैं खाली जा रही हाँ साची ने छोटा सा बैग ले रखे, दिखाना तेरा पीछे के बैग, ये देखो। तो आज मैं खाली क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बैग नहीं लेना पड़े ना, मैं कुछ सब्जो वब्जो लेके आई हूँ, तो देखो। और मैं इतनी चीज में खुश होगी देख ले, जैसे कि आज तो पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया, खा लिया ऐसे चलूंगी। और मेरी बेटी देख लो, मैं ऐसे बंद करके जा रही हूँ उसको, और वो देखो ऐसे बैठी है, क्या है बच्चे? वो वाला सामान लिपस्टिक कहाँ से लगा ली इतनी देर में है? बैग में है सारी कट करके गड़ा है। हाँ चाची अभी खा के ये वो एग्जाम है ना, वो मैच करके देख कितने सही है। तो गाइस साची को ले आई हूँ, अभी खाना खा रही हूँ, और टाइम हो गया देखो 1:15 हो गया है, 1:17। तो आलू शिमला मिर्च बनाई है, और मटर डाल रखे हैं, रोटी है और प्याज है, दही है। तो खाना खा मिला के देख ले, इनू आओ जल्दी खाना खाओ। कितने इसके? 8 दिखाओ। तो ये साची एग्जाम दे के आई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 पेज है, और ये है 6th क्लास का, हमारी टाइम में 10th क्लास में आते थे इतने बड़े एग्जाम। कितने क्वेश्चन है? 39। तो 39 क्वेश्चन में से अभी साची कह रही है कि 2 गलत है मेरे, 1-1 नंबर के, तो इसका मतलब आपका आएंगे 78 नंबर। तो गाइज ये कह रही है 80 नंबर का है, कह रही है मेरे मम्मी बस ये जो हमारे MCQs वाले हमारे टाइम में बोलते थे उसको MCQs, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं वो नाम ही भूल गई हमारे वाले पुराने क्या बोलते थे भाई छोटे को? नहीं नहीं पता नहीं क्या बोलते थे भाई, वो भूल गई मैं सच में भूल गई मैं भाषा ही भूल गई, वो मेरी राजस्थान वाली भी सारी अरे क्या था, तो मैं भूल गई गाइज, आपको याद है तो कमेंट करके बताना। तो ये छोटे वाले क्वेश्चन है ना जो इसको वो कह रही है मेरे 2 गलत है बस, और बाकी मैं सारे करके आई हूँ 37 मतलब 2 गलत है, तो इसका मतलब है आपका 78 नंबर आएंगे। तो गाइज अब की बार देखना, ये साइंस का एग्जाम है तो इसमें करिए ओनली 2 गलत है मेरे, तो मैं दिखाऊंगी आपको इसके जब रिजल्ट आएगा। स्पेलिंग से मिस्टेक हो सकती है, क्यों स्पेलिंग से क्यों मिस्टेक हो सकती है, इसका रीजन? इसका तो रीजन ही है मेरे पास। क्यों? इंग्लिश मीडियम में जाती है ना, फिर भी स्पेलिंग वो मिस्टेक। मिसस्पेलिंग तो सबकी होती है। कैसे? ऐसे थोड़ी ना कि किसी की भी नहीं हो, गलती तो सबसे होती है। तो अब कल किसका है? कल तो नहीं है, कब है? वेडनेसडे, बुधवार को। हाँ।
किसका है? इंग्लिश। तो इंग्लिश की धूम मचा दे, जा स्टार्ट हो जा। और संस्कृत में एक भी छुट्टी नहीं है, और संस्कृत तो महारानी शास्त्री साहब को आती नहीं है, कुछ नहीं आती है ना। पढ़ ले बेटा, स्टार्ट हो जा, मेरे को पढ़ ले बेटी। तो खाना खाना है कि भी नहीं खाना है? पूरी एक और आधी रोटी खाई थी, एक रात दी खा ली थी मैंने। मम्मी आपको पता है ना, सॉरी लड़की स्नैक्स लाई, बस मैं ये रोटी रोटी ले। बस यार मैं ध्यान होते रहता ना, पेपर तो ठीक रही आई होगी। पेपर तो ठीक है ही होगी कि स्नैक्स में ध्यान होते रहो कि वो है स्नैक्स ले आई, वो स्नैक्स फिर स्नैक्स ले आई, तो कोई अच्छी बात है कि लास्ट वाले पेपर में दे दूंगी तेरे को पैसे खाए यार। कितने? 20 रुपए। 40 रुपए। क्या खाएगी? रोल। अच्छा लास्ट वाले पेपर में खिला लेगी रुवाड़ी वाले के, उससे पहले वाले पेपर पे एक रोल खाऊंगी मैं तो, नहीं तो नहीं। ठीक अच्छा 2 दिन खाएगी लगातार? हाँ। क्यों 2 दिन का? मम्मी इससे छुट्टी भी तो है कितनी। और तेरे पेपर ये खत्म होंगे, रिन्नू के पेपर स्टार्ट होंगे। रिन्नू की मैम ने आज वो बच्चे जा रहे हैं ना घूमने, तो वीडियो और फोटो भेजी है, देना क्या? एक बार देना तो मैं दिखा रही हूँ, देखा आपको। तो गाइस बज गए हैं शाम के 7, कितने बज गए? 7:15 हो गया। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और अभी मैं मशीन से उठ के आई हूँ तो आज लेट हो रही हूँ थोड़ा सा, और चाय नहीं पी थी, चाय पी थी एक बार 2 बजे, रोटी खाते क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे पता नहीं 2:30 बजे तो कोई आ गया था उस टाइम, तो चाय बनाई थी तो थोड़ा सा लिया था मैंने भी। और वो चाय है ना शायद बाय कर गया, मेरे गैस बना गया, तो इस टाइम थोड़ी सी चाय थक रही हूँ तो थोड़ी सी इतनी चाय बना के पी रही हूँ, और दूध गर्म तो पूजा पाठ करूँगी, और खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे। और सिंक है जो कि भरी है बर्तनों की, बच्चों ने देखो सारा दिन हो गया बच्चों ने बर्तन कर रखे हैं, तो 2 तरह का दूध कर लिया है देखो, दही का भी और पीने का भी। तो आज दही थोड़ा जमाऊंगी क्योंकि कल का दही बचा हुआ है, तो उसकी लस्सी उसकी बना लेती हूँ मैं, और दही है जो कि बच्चों को ताजा दे देती हूँ, ऐसे ही चलता रहता है मेरा काम। और थोड़ी चाय पी रही हूँ, ज्यादा चाय नहीं पी रही, थोड़ी सी पी रही हूँ, ये देखो दूध गर्म कर लेती हूँ। एक कप चाय पीऊंगी, और चाय है ये देखो, तो मैं थोड़ा दही जमा देती हूँ, ये दूध गर्म कर रही हूँ। तो ये दूध रात के लिए नहीं कर रही, अभी एक बार बच्चों को दोनों को दूध दूंगी, एक एक कप तो उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, और रात के लिए दोबारा गर्म करूंगी, तो एक बार ये बच्चों के लिए दूध हो जाएगा। इसमें बच्चे मीठा डाल रखे, इसमें थोड़ा सा मिश्री डाल रखी है, तो ये पी लेंगे ना तो इसमें बच्चे ना, तो फिर दोबारा फिर रात को इन्नू और इसके पापा लेते हैं, और इस टाइम दोनों बच्चों को दे रही हूँ। तो सच्ची लगभग बस इसी टाइम दूध लेती है, नहीं तो नहीं लेती है ये, और ये खीर वगैरह में खा लेती है, वो मेरे को टाइम ही नहीं लगता बनाने का, क्या करूँ। अभी देखो 7 बजे 7:15 6:30 7 बजे उठी हूँ, देखो प्रेस के कपड़े कितने दिन से पड़े हैं, मेरे को टाइम लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे को ये बाहर ही करवाना पड़ेगा, और मेरे दिमाग में ये रहा कि बाहर ना करवाऊं मैं खुद कर लूं, तो मैं बैठ के आराम से चाय पी लेती हूँ पहले, और एक चाय पीऊँ शाम को, तो एक आज तो मैंने इन्नू को भी नहीं पढ़ाया, अभी सब्जी साब्जी का प्रबंध करके, और तो किसके पापा नहीं आएंगे, बच्चों की सुबह छुट्टी है, तो मैं सब पहले 1 घंटा इन्नू को लेके बैठूंगी, क्योंकि इन्नू के भी एग्जाम है, पूरा 1 साल का मेहनत है ना, वो खराब हो जाएगा, भूल जाएगी सब कुछ, और आज नहीं, आज मशीन पर बैठ जाऊँ ना तो ऐसे हो जाएगा कि ये भी निकाल दूँ ये भी निकाल दूँ, तो ऐसे ही हो जाए, ये भी काम कर दूँ ये भी कर दूँ,
तो दूध है ये, थोड़ा सा गर्म किया हुआ दूध है ये, थोड़ा सा है ना हल्का सा, गुनगुना करती हूँ ताकि बच्चे ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो और इन्हों को लेके बैठूंगी नहीं तो इन्हों सब कुछ भूल जाएगी, सच्ची तो अपने आप पढ़ लिया है। तो एक बार थोड़ा धोख पूजा का और बर्तन वर्तन का सब्जी सब्जी का प्रबंध करके आटा उटा लगा के जब तक इसके पापा नहीं आएंगे तब एक डेढ़ घंटा लेके बैठूंगी उसको, उस टाइम कुछ काम नहीं है। तो पी लो, आप भी पी लो चाय और मैं भी पी लेती हूँ। वो दिए मैंने चने और मूंग और ये बना दिए मैंने खूब सारी सब्जी डाल के खिचड़ी और पूजा कर दी है। और ये साची बैठी है पढ़ने के लिए, ये देखो चलो आप उस रूम में चलो चलो उठाओ बुक। और अभी पापा अभी चले हैं तो एक डेढ़ घंटा लगेगा और टाइम हो गया है 8:15। पढ़ ले बेटा पढ़ ले जोर जोर से बोल, सुने इंग्लिश का है ना ग्रामर पढ़। कपड़ों में प्रेस भी करना था, मैं प्रेस भी कर लूँ साथ इन को पढ़ा लूँ। नहीं कहीं नहीं जा गया रे, पढ़ाऊंगी आपको, ऊपर बैठो सुनो ग्रामर पढ़ो, छोटे क्वेश्चन वाले ग्रामर सारी कंप्लीट करो, बड़े क्वेश्चन मत रटा ना, रिवाइज कर ग्रामर पढ़ 2-3 दिन, और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर वगैरह और स्टोरी वो ज्यादा याद कर, वो 5-5, 7-7 नंबर की एक बार देख तो लेना उसको, लेटर लेटर एक बार देख तो ले, वो ऐसे वर्ड वार ये रिवाइज करके वो देख ले एक बार, ठीक है? आप बैठो काउंट करो ऊपर से बोल के लाओ। हैंकी लेके आओ नोजी साफ करने के लिए। तो मैं खिचड़ी वगैरह चढ़ा गए और दही वही जमा जमू के सारा कंप्लीट एक बार किचन का वगैरह सारा काम करके, और मैं अभी एक डेढ़ घंटे साची को, साची तो खुद पढ़ लेगी इन्हों को लेके बैठी हूँ, तो मैं अभी इसको पढ़ाऊँगी और तब तक मेरा खिचड़ी बन जाएगी। तो इन्हों को खिचड़ी पसंद है, मैं बेटी को घी डाल के खिलाऊंगी, फिर मैं दूध डाल के खिलाऊंगी, है ना, गुड़ गुड़ भी डाल दूँ, ठीक है? तो वाले नहीं दूसरे, दूसरा गुड़ डाल दी, जो हलवा से लाए थे वो बाजार से लाए थे वो, वो मोटा मोटा डली वाला वो, ठीक है? तो लिखो आई, हाँ लिखो आई फोर आइसक्रीम, पूरा कंप्लीट लिख के दिखाओ। चलो वेरी गुड, हाँ आगे लिखो। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, देख लो इन्हों का काम, पढ़ाई कर लिया इन्होंने, अरे अभी देख लो क्या काम कर रही, क्या कर रही बेटी? मैं करती हूँ मम्मा की, ये गाइस ये देख लो सुंदर डॉट के पापा का स्वागत कर रही है छोरी। मैं ठीक हूँ, जो कहते हैं ना जो पति से डरे वो स्वर्ग में जाती है, जो अपना आदमी से डरे वो स्वर्ग में जाती, स्वर्ग में जाती है, आज वो नहीं डरे वो मेरी तरह यही स्वर्ग जी वो मेरी तरह धरती पे स्वर्ग जो जो पति से डरे वो उसको क्या मिलता है, सर्वज क्या बोलते हैं उसको, सर्व जो नहीं डरे वो मेरी तरह घर में रह के भी जी सकती है ना।
सही बात है। सही जम्मा। तो गाइस डरनो डरनो को नहीं है, अपने जिंदगी जियो, मस्त काम करो, गलत काम मत करो, यही सर्व है। और कोई लड़ाई करे तो बराबर टक्कर दे खड़ी हो जाओ। क्या चिप्स है क्या? मैं ना लो इनू का क्या है? इनू आपके लिए, आपके पास क्या है बेटी? चिप्स ही है। सच गैस बंद कर क्या बेटा? चाइना मैंने खुद बनाई है। क्या बनाई है खुद? ये क्या सुंदरी खुद बनाई है? इतनी मिर्ची का, इतनी मिर्ची का कुंडिया भाई देना पर एक बार देना। 2 ml बहुत। लो पानी है। मैं नहीं पीऊं तो बेटा ले पकड़ो। 2 ml कौन है तू? यम है तो पोटी करिया जा, मैं रेस्ट करूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।